ग्राम खापरखेड़ा के ग्रामीण डेरिस है में अचानक थाने व तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन और धमकियों से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि हम सभी ग्राम खापरखेड़ा के निवासी हैं। हमारे यहां से रेत माफियाओं के द्वारा बड़े रूप में खेत उठाई जा रही है, जिसके कारण बच्चों और महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जब हमारे द्वारा रेत के व्यापारी के खिलाफ शिकायत की गई, तो एक महिला द्वारा हमारे ऊपर झूठा प्रकरण बनवा दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रेत माफियाओं के द्वारा इन्हें निरंतर धमकियां दी जा रही हैं। ट्रैक्टरों पर एक महिला से कार्य करवाया जा रहा है, वह हमेशा हमें झूठे प्रकरणों में फंसाने की धमकियां देता है एवं थाने में रिपोर्ट भी करवा चुकी है। आपसे निवेदन है कि हमारे गांव के मार्गों से हो रही रेत की चोरी को बंद कराएं और इन वाहनों की आवाजाही से हमें निजात दिलाएं, जिससे हमें राहत प्रदान हो सके। रेत खदान बंद करवा रहा है, हमारे बाल बच्चे घूमते हैं, दर की का जात है, रोड पे ट्रक जा रहा है, आधा गंगा जा रहा हूँ, कहाँ सरकारी बकवा बोलते हैं, और दो बच्चों को रिपोर्टर कर दे भाईचारों बैठा रखा। कहाँ की खदान है? मोहल्ला खापरखेड़। कौन लोग करते हैं गाली गलौज आप लोगों के साथ? ट्रैक्टर वाले। कहाँ के हैं वो लोग? अब जो पता नहीं मालूम कौन कहाँ के। खापरखेड़ के नेपाल पटेल को लड़का है, उसका नाम का पता कहाँ है? नेपाल पटेल, राहुल पटेल। अच्छा, एक भाईचारे बैठा रिपोर्टर करवाते हैं। क्या रिपोर्ट करवाई, किसकी करवाई? दो लड़कों करवा दें। लेडीज से करवाई, पता कहाँ की लेडीज क्या है? आप लोग किस लिए आए हैं? खापरखेड़ा में जो रेत खदान चल रही है, जिससे ग्रामीणजनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो रोडों में खेलते हैं, लापरवाही युक्त तरीके से ट्रैक्टर को रेता से भर के ले जाने पर अगर उनको मना करें तो वो मारपीट करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और उल्टा थाने में आके रिपोर्ट करके झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये अवैध रेत की खदान है, वैध रेत की खदान है, इसको तत्काल यहाँ बंद किया जाए। अभी तक एक मुकदमा झूठा दर्ज हुआ क्या? पिपरिया थाने में खापरखेड़ा के नाम से जितनी भी शिकायतें आई हैं, उन ग्रामीणों को शिकायतों पे कितनों पे कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है और पिपरिया में खापरखेड़ा वालों के ऊपर रेत के मामले से विरोधियों द्वारा शिकायत की, उनमें कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं ये जानकारी पुलिस द्वारा पिपरिया देगा। चूंकि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत का वो हवाला दे के हमें डरा धमका कर झूठी कार्रवाई कर रहा है। ये ग्रामीणजन इकट्ठे होकर आए हैं, इनकी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी देने के लिए यहाँ प्रस्तुत की है। तत्काल कार्रवाई कर न्याय प्रदान करें। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, धरने बैठेंगे। इनके द्वारा कहा गया है कि उनके ऊपर जो जिसके द्वारा रेत चलाई जा रही है, उनके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये बात सत्य क्या? कार्रवाई हुई है, तब तो यहाँ है, इनके परिवार के लोग हैं, मना करते हैं भाई ऐसा मत करो, नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे तो उल्टा उठा के हमारे खिलाफ कार्रवाई करके पुलिस से दबाव डलवाते हैं।